हेलो गाइस, आप लोग खाएंगे ये समोसा? माय गॉड, ये दोनों रोज रोज कितना समोसा खाते। फाइबर का बाल्टी, रोटी डब्बा, फाइबर का डब्बा, फाइबर का डलिया, फाइबर का रील डब्बा, फाइबर का ढक्कन वाला डस्टबिन लग रहा है। वो कितने का है? 3 का सेट? हाँ, 120। तीनों का सेट दिखाइए। था रंग उड़ा हुआ है, वैसे ही रंग दिखाई। अच्छा, दिखा था रुबर उबर। ये सेट आता है दिखा। मम्मी यहाँ पे गेहूँ पसारने की तैयारी में, अभी गेहूँ धोई है। सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? और आज है संडे का दिन, तो संडे का दिन तो थोड़ा लेजी लेजी चलता है, और मम्मी और भैया दोनों की छुट्टी है, तो एक्टिविटी ऐसे ही चल रहा है। तभी मम्मी गेहूँ वगैरह धोई है, क्योंकि यहाँ धूप निकला हुआ है, देख सकते हैं लगातार बारिश के बाद धूप निकली है, तो यहाँ तो ये सब चलता है ना, गेहूँ मतलब खेती वगैरह होती है, तो गेहूँ धोना, सुखाना, फिर पिसवाना, और वो प्योर वाला रोटी खाओ ऐसा हो गया। और साथ में वो आया था, क्या बोलते हैं, हर एक माल यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सस्ती मिल जाती है हर एक माल में, तो वही ख़रीदा गया है। और सही में मतलब जैसे मैं पुणे नासिक में जो चीज़ ख़रीदती हूँ 100 रुपीज़ का, तो वो यहाँ पे 50 रुपीज़ का देते हैं, तो काफ़ी डिफरेंस होता है, बट थोड़ा क्वालिटी जैसे 18-20 का डिफरेंस होता है क्वालिटी वाइज, तो ख़रीद लिया गया है। टोटल कितने का बिल हुआ है? 430। और अवनी अनाया दिखाएगी कि क्या क्या ख़रीदा है ना अवनी, तो ये वेट करिए तब से कि मुझे दिखाना है सब्सक्राइबर्स को कि हम क्या क्या खरीदे। चलो मिट्टू दिखाते हैं, तो चलिए फिर देखते हैं, और उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने, मिट्टू भी नहाएगी है ना, उसके बाद फिर मिलेंगे आप लोगों से, बताएंगे क्या क्या हो रहा है आज संडे के। चलो, और रिंकी दीदी भी आई हैं, क्लीनिंग का काम चालू है। चलो मिट्टू, हर एक माल का सामान दिखाओ। 20 रुपया आप हटा दीजिए, आप हम लोग रोज सामान लेते हैं। अभी और लेंगे, अभी और सामान लेंगे तो डिस्काउंट दीजिए। मिट्टू और सामान लेना है ना? लाल, ये सब दिखाएंगे हम सब्सक्राइबर्स को क्या क्या खरीदा है। ये देखिए, ये है छोटा वाला बास्केट, ये थोड़ा सा बड़ा बास्केट है, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये इतना बड़ा है, और ये 3 का सेट है ना, 3 का सेट दिया है 120 का। हाँ, तो ये 3 का सेट है, तो 120 का बोला है बट 100 का दिया है। जो बिग बास्केट वगैरह या बिग बाजार में 499 या 399 का मिलता है। और ये कितने का दिया है? टेन रुपीज ईच, 10 रुपए का है। गरम ताजा 10 करोड़ गरम। ये है एक, ये बास्केट है, ये 50 रुपीज का है। रे अनु, 50 रुपीज का। अनु, लग रहा है इतना सामान इसके ऊपर रखते रखते टावर बन जाएगा। हाँ चलो, ये भी तो सेम ही है, तो क्यों खोलोगी, रहने दो। हाँ, तो ये भी 100 का है, और ये येलो वाला बास्केट भी 50 रुपीज का है। हाँ। और ये वाला, और ये डस्टबिन है। डस्टबिन नहीं है मिट्टू, उसमें मम्मा बिस्किट मैगी रखेगी ना। बिस्किट मैगी, हाँ, तो ये भी 120 का है, 100 का दिया है, है ना? चलो, और कुछ बोलना है सब्सक्राइबर्स को? और ये देखिए, दिखा दी मैं, ये भी
गिर जाएगा मिट्टू, यहाँ रख दो, टूट जाएगा नहीं तो। चलो तो कैसा लगा आप लोगों को पूछ लो, कैसे लगा आप लोगों को इतना सारा बनेगा? चलो फिर मिलते हैं बाद में, नहीं आज ही के वीडियो में मिलेंगे लेकिन नहाने के बाद। बाय। और जैसा आपको मैंने पहले बताया संडे का दिन है तो भाई जी भी घर पे हैं, मम्मी भी घर पे है, तो पूरा दिन ऐसे ही काम काम होता है। और संडे को बेसिकली नॉनवेज बनता ही है क्योंकि भाई जी भी फुर्सत में होता है, तो उसे नॉनवेज बहुत पसंद है, खाना भी और बनाना भी। तो आज सुबह से ही मटन के जुगाड़ में था और ये हांडी मटन बन रहा है, हांडी लेकर आया है और वो वॉश वगैरह करने के बाद इस तरीके से बनाया जा रहा है, उसमें लहसुन रखा जाएगा। और मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि हमारे घर में किचन में नॉनवेज बनता नहीं है, अलाउड नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मी नहीं खाती है, पूजा वगैरह करती है, तो हमारे यहाँ किचन में नहीं बनता है। तो इस तरीके से डाइनिंग में एक छोटे से स्पेस में पेपर नीचे रख कर, फिर स्टोव रख कर, और फिर हम लोग बनाते हैं और वहीं उसी एरिया में खाने के बाद अच्छे से वॉश वगैरह करते हैं। तो ये यहाँ पे ऐसे ही चलता है, चलता आया है और वो भी आगे कंटिन्यू रहेगा। तो अभी यहाँ पे सील किया जा रहा है और बहुत टेस्टी मटन बना था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो ये भाई जी बना रहा है, उसको बड़ा मन लगता है इसको बनाने में, खाने में, खिलाने में। और जब तक ये मटन बन रहा है, फिर नहाना वगैरह हुआ और साथ में ये सारे बास्केट धोए और फिर मैंने धूप में डाले ताकि ये सूखने के बाद यूज़ कर सके। उसके बाद हमारा खाना वगैरह हुआ, काफ़ी लेट हो गया, 2:30 बज गए थे खाना खाते खाते, और ये कुछ ऐसा बना है। तो हम लोग डिस्पोजल वाली प्लेट में खाते हैं इस तरीके से और फिर उसको थ्रो कर देते हैं। अभी हर्ष आया है और अवनी का है, अवनी बनाई है टीचर्स डे का कार्ड, अवनी बनाई है। हाँ। झूठी, ये देखिए बहुत सुंदर कार्ड है, खोल के दिखाओ। ये लिखा हुआ है हैप्पी, ये लिखा हुआ टीचर्स, ये लिखा हुआ डे, हैप्पी टीचर्स डे। अब मैं आपको अंदर का दिखाती हूँ, ये सबसे पहले ये देखिए, ये लिखा हुआ है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव, लव यू टीचर्स, थैंक यू मैम, मैम यू आर माय वंडरफुल टीचर, थैंक यू। ऊपर का पहले पढ़ो फिर नीचे को पढ़ो, सब पढ़ दी हूं, थैंक यू। नमस्ते शिक्षा गण, हैप्पी टीचर्स डे मैम, आप मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाती, मुझे बहुत अच्छा लगता, मैं आपके लिए कुछ बोलना चाहती हूं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव, महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुदेव नमः, धन्यवाद, आई लव यू मैम। और नहाने के बाद हमने मटन खाया है, वो वाला वीडियो क्लिप तो आप लोगों से शेयर किया, अच्छा बना था, टेस्टी बना था। और फिर खाने के बाद सो गए क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, 3 बज गया था। तो अभी उठे हैं, अभी सब लोग यहाँ बरंदा में बैठे हुए हैं, हर्ष आया हुआ है, तो वही गप्पे सप्पे चालू है। और अपनी कार्ड बनाई थी, आज टीचर्स डे है ना, मैं भी बड़ा मिस कर रही हूँ पुणे का एनवायरनमेंट, व्हेन आई वाज टीचर, और बच्चे विश करते हैं तो अच्छा लगता है, बड़ा बहुत मतलब बहुत अच्छा सा फील होता है बीइंग अ टीचर। तो खैर कोई नहीं, आएगा वापस से, वो टाइम आएगा। और ना अभी 2-3 दिन से गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी मैंने मेरा मंगलसूत्र जो पहना था वो खोला है क्योंकि ना इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है नेक में, यहाँ ह्यूमिडिटी वाली गर्मी होती है ना। तो कौन आगे लोग, रिंकी दीदी भी आ गई, और अभी यहाँ पे चाय बिस्किट, शाम का टाइम। आइए रिंकी दीदी, देखा देखा।
तो छवि भाभी के पति देव ला कर दिए पानी पूरी सबके लिए, तो हम लोग भी हाथ साफ करने वाले हैं। खाने में बहुत पसंद आता है तो वही ला कर दिए, तो चलिए इंजॉय करते हैं। हम लोग सब खाते पीते वाले लोग हैं ना, खाने पीने में नो कॉम्प्रोमाइज। यहाँ पे आया है पानी पूरी, भैया ला कर दिए हैं छवि भाभी के हस्बैंड पानी पूरी आया, तो सब लोग इंजॉय करेंगे। तो यहीं पे मैं वीडियो को वाइंड अप करती हूँ। हम लोग तो पानी पूरी इंजॉय कर रहे हैं, आप लोग भी कीजिए, और वीडियो किसी भी मोमेंट पे अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।